दस्तक छात्रों के हक की। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें आज भी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर ना बनाया जाए और केवल सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने 75 जनपदों में एक्सरसाइज कराया, सेंटर चिन्हित कराया। उसमें जो है हमें 1758 सेंटर के सापेक्ष मात्र 978 सेंटर ही चिन्हित हो पाए, जिसकी कैपेसिटी 4,35,000 थी। चूंकि पीसीएस में कैंडिडेट जो है 5,76,000 समथिंग रजिस्टर्ड हैं, तो 75 जनपदों में वन डे में एग्जाम संभव नहीं था। इसको देखते हुए हम लोगों ने 2 दिन फिर प्लान किया, आधा एक दिन आधा दो दिन, इसलिए 41 जिलों में हम करा रहे हैं। अचानक के बदले हम लोग जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे इसको, पेपर दे ना दे कभी ना कराएं ये पेपर, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। एक ऐसा हथियार है इनके हाथ में जो हम बाद में कभी नहीं वापस ले सकते हैं। ये अनशन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेंगे। अगर नॉमिनेशन करेंगे, कोई लड़का 35 नंबर पाया, वो अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिया, उसका काट के अगर 31 नंबर आ गया, तो किस हिसाब से वो सीसेट में पास होगा? जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो तो मंजूर ही नहीं है, वो नहीं किसी तरीके से इनके भविष्य के साथ पूरा न्याय कर पाएगी, क्योंकि उस पर आशंका है कि जो शुचिता की बात होती है, जो पारदर्शिता की बात होती है, वो लागू नहीं हो पाएगी। और एक शिफ्ट में ही एग्जाम हो, एक ही पाली में एग्जाम हो, एक ही तारीख में हो, सबका एक साथ हो, ये एक मांग है। और इसको लेकर के तमाम छात्रों की यही राय है, अभ्यर्थियों की यही राय है, और यही कारण है कि अभी तक इससे कम में ना तो अभ्यर्थी मानने को तैयार है, ना यूपीपीएससी की तरफ से अभी कुछ कहा गया है, और यही कारण है कि दूसरे दिन भी लगातार ये प्रदर्शन जारी है।